अब तक आपने देखा जोगेश्वर के गुलकंद को थप्पड़ मारने के कारण झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अयोध्या गुलकंद को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। गुड्डन आकर भुवनेश्वर और परिवार वालों को कट्टर दहेज विरोधी जोगेश्वर के बारे में बताता है और कहता है कि उसने पायल के रिश्ते की बात उनके बेटे के साथ चलाई है और वो पायल को देखने आने वाले हैं। देव अयोध्या और गुलकंद को वापस घर आने के लिए बहुत मनाता है, लेकिन वो लोग वापस आने से मना कर देते हैं और अयोध्या देव को जोगेश्वर और परिवार का ख्याल रखने के लिए कहता है। अब आगे आ गए, बेइज्जती करवा के आ गए, यहां आएंगे। बैठिए, हो गई अपनी बेइज्जती करवा ली, क्या जरूरत थी वहां जाने की? तुम्हारा साथ आने के लिए मना कर दिया ना उन्होंने, हो गई संतुष्टि? बेइज्जती कराने गए थे बुड्ढी, जा भैया के लिए गर्म दूध लेके आ। सबके ना सबके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, हम। अरे पहले का जमाना दूसरा था भाई, उस समय औरत जो होती थी ना वो घर की मान मर्यादा शीलता की निशानी समझी जाती थी। अब औरत बहुत चतुर हो गई, ये समझ लो थोड़ा सा दहेज लेके आ गई, ये बस नाच नखरा ही बढ़ जाता है। उसको लगता है कि सब तो गुलाम है, हमें मालिक हैं, राज करना चाहती हैं, पैर का जूती बना के रखना चाहती हैं, सास ससुर और सभी को देखे लिए हो तुम। का किए हम, तुमसे कह रहे हैं हम, इधर देखोगे हम का किए? दहेज अयोध्या को चाहिए था, उसको ईशान शौकत चाहिए था। आपको नहीं चाहिए था? नहीं, हमको नहीं चाहिए था। हम ये सबके पहले भी संतुष्ट थे, हमने तुमको लेकर एक फैसला किया है, तुम्हारी शादी में हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज वाली बहू नहीं चाहिए हमें। चलो अच्छा है, कहीं तो ध्यान लगा तुम्हारा, नहीं तो जब से भैया भाभी गए थे तुम तो वही बात लेके बैठे हुए थे। दिखाओ तो क्या देख रहे हो। वाह बेटा जी, तुम यहाँ कोई और सुर लगा रहे हो, तुम्हारे घर वाले कोई और राग छेड़ रहे हैं। अरे नीचे तुम्हारी शादी की बात चल रही है, तुम किसी और लड़की को निहार रहे हो। अरे यार वो जो लड़की हमारे लिए देख रहे हैं, मुझसे नहीं करनी यार शादी, ऐसे थोड़ी ना होता यार, हम शादी उसी से करेंगे ना जो हमें पसंद आएगी। हम अभी जाके सबको बता देते हमें नहीं करनी है। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस लड़की के लिए ये तुम करने जा रहे हो उसके दिल का हाल पता है कि जो तुमको चाहती है कि नहीं? शादी तो दूर की बात है, वो तुमको जानती तक नहीं है और तुम उसके नाम का ख्याली पुलाव पका रहे हो। तो हमें क्या करना चाहिए यार? राजेश सच में हमें उससे प्यार हो गया यार, उसके अलावा हमारा कहीं मन ही नहीं लगता, सोते जागते बस उसी का चेहरा सामने आता, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करें यार, बता ना। बाप रे बाप, बात इतनी आगे बढ़ गई है, तुम उसको लेकर इतना सीरियस हो? हाँ यार एकदम सीरियस, फुल सीरियस। और सुनो तुम ये उसको उसको मत किया करो, उनको बोलो समझे। ओहो बेटा, अच्छा ऐसी बात है तो उसको जाके उनको जाके कह दो यार अपने दिल की बात। लगता है मैं
कहना चाहिए। हाँ, और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जब उनकी शादी हो जाएगी तब। तुम लड़के हो क्या, डरते हो? प्यार किया है, कोई डाका थोड़ी डाला है। चल निकाल बुलेट और चलो डंके की चोट पर कह देते हैं कि प्यार किया है। अरे प्यार के मामले में ना, जो कुछ भी हो फटाफट डिसीजन हो जाना चाहिए, इस पार या उस पार, सब फटाफट क्लियर हो जाता है। ए भाई, एक बात कहते हैं, प्यार अगर सच्चा है ना तो दिल से दिल का कनेक्शन होता है। जी, जिस चीज के लिए आप हमको ताना मारा करते थे, अब वही काम आप बेटी से सीख रही हैं। अच्छा पापा, आपको भी तो हमने ही सिखाया है। तो फिर माँ को कुछ मत कही। देख रही हो, हमको ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप हमको मौका देती कहाँ है। ए जी, नमस्ते। देखिए किसको लेके आए हैं आपके द्वार पे। आइए 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 जगेश्वर बाबू, आइए आइए। आइए आइए जोगेश्वर बाबू, ये हैं जोगेश्वर बाबू, प्योर केमिकल, माने एकदम देवता आदमी। और ये हैं जयसवाल बाबू, और ये हैं जीजा जी और दीदी। ये हमारी छोटी बेटी नीलम, आ जा बेटा। और ये है हमारे बहू अलका, आ जा बहू। और ये है हमारी बेटी पायल जी। नमस्ते। जी जी जी, बताए थे ना आपको क्या हुआ था शादी में। और दहेज जैसा नाइट्रोजन गैस वाला मामला जो है ना, जोगेश्वर बाबू ऐसे ऐसे ऑक्सीजन में बदल दिए थे। जी जी, पिछली बार की गलती का कलंक जो है ना वो धो दिए हैं। ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाए हैं कि दुनिया में कहीं और ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। अपना अपना जोगेश्वर बाबू है ना, एकदम टॉप क्लास के आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो कुछ भी बात कहते हैं ना, एकदम खरी खरी कहते हैं। और जमशेदपुर में इनका बहुत टॉप का बिजनेस भी है। अब कोठी तो इसे शानदार बनवाए है ना, अरे पूछिए मत। अरे इतना संपन्न होने के बाद भी कोई इनके सामने दहेज की बात कर देना तो इनका माथा भिन्ना जाता है। आप सुने तो होंगे ना गुड्डन जी से। हम देखे थे, आपने बताया था कि नहीं? और क्या। अब मंदिर में बिना लेन देन के खुद ही खड़े होके लड़की की शादी करवा दिया। हाँ, बस इनका एक ही अरमान है कि सुशील और संस्कारी लड़की इनके घर की बहू बने। जयसवाल जी, गलत कह रहे हैं आप। का है जयसवाल जी, आप काहे के लिए सब बोलते हैं? हमको अच्छा नहीं लगता है भाई। भुवनेश्वर जी, ये है हमारे मित्र, ये हमारे बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा तो बोलेंगे, अब बुरा काहे के लिए बोलेंगे। लेकिन हम भी ना एक लड़की के पिता हैं, इसलिए सारा आपका जो परिस्थितियां है ना, ये हम समझते हैं। अच्छा, हम आपसे एक विनती करते हैं, आप सभी लोग ना एक बार हमारे यहाँ आकर ना सब समझ लीजिए, जान लीजिए, एक बार घर द्वार देख लीजिए, लड़के से मिल लीजिए, बातचीत कर लीजिए, उसके बाद आप जो है ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। कहे कि आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। अरे वाह, ये तो गजब का ड्रामा हो गया, हम तो घर छोड़ के खुद ही नुकसान में। भैया, आप 1 करोड़ दहेज में दी,
उसी पैसे से घर बना, गाड़ी आई और सानो सौकत बढ़ा, और हम खुद ही घर से निकल आए। वाह, पर हमारे घर से निकलने से उन लोगों का तो फायदा हो गया ना, हाँ? वो हमारे पैसे पे सब चीज का मजा ले रहे हैं और हम यहाँ अपना खून जला रहे हैं। गुलकंद, ऐसे काहे बोल रही है तू? वो भी तो तुम्हारा ही परिवार है ना। देखो, जो कुछ हो सब भूल जाओ। देखा, कुछ समझ में आ रहा है? हमारे घर वाले कितने अच्छे हैं तुम्हारे घर वालों से। हम चलते हैं, बच्चों को स्कूल से ले आते हैं। अब रुकिए, हम भी साथ चलते हैं। आते हैं। भुवनेश्वर जी, देखिए हमारा तो ये मानना है कि कोई भी रिश्ता जुड़ने से पहले मतलब एक दूसरे को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। जहां रिश्तों का बात आता है ना, आंखें हमारा नम हो जाता। मतलब आप लोग आइए हमारे यहाँ, बस हम यही कहना चाहते हैं। और उसके बाद भी ना आपको हम ठीक नहीं लगे ना, तो आप ये रिश्ता नामंजूर कर दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। आइए आप लोग पहले। भैया बहुत सीधे हैं और आप भी गऊ हैं भाभी, लेकिन जमाना सीधा नहीं है। हमारे ससुराल वाले जलेबी के जैसे हैं, वो लोग हमारे भैया के मेहनत का पैसा दहेज में खाए हैं। अब भैया कोई धन्ना सेठ तो नहीं है ना, और ना ही कोई टकसाल लगा के बैठे कि जितना मन किया नोट छापते गए। उनका भी मेहनत का पैसा है। देखिएगा भाभी, इन लोग को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। उन लोगों का जीना हराम नहीं कर दिए तो हमारा नाम भी गुलकंद नहीं। नहीं नहीं गुलकंद, इतना गुस्सा ठीक नहीं। आप ऐसा कुछ मत करना, आप जानती है ना आपके भैया को ये सब पसंद नहीं। कहां से मैं लाऊंगा छापा साड़ी, अरे कहां से मैं लाऊंगा बंगला गाड़ी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते भाभी, जुगनू बोल रहे हैं। नालायक भाभी जी बोल, तुमको भी चर्बी चढ़ गया है क्या, हैं? हम वहां से हट के आ गए, सारा तमीज भूल गए तुम, हैं? हम वहां आ गए ना तो तुम्हारा सारा बदतमीजी धर देंगे पिछवाड़े में। माफ कर दी भाभी जी, गलती हो गई। अच्छा ठीक है, कांपना बंद करो। और ये बताओ, वो भक्तिन बिल्ली कहाँ है? भक्तिन बिल्ली? हाँ, हमारी सास संतोषी देवी। अच्छा, वो पूजा कर रही है? हाँ हाँ, वो भक्तिन बिल्ली और कर का सकती है, उनसे और कुछ होने वाला भी नहीं है। और वो नटरू कहाँ है? नटरू क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है का है? खाली देर से रानाज ठूसने के लिए बैठे हो? अरे नटरू, हमारे ससुर, कहाँ कुंडली बाज रहे हैं वो? अच्छा जी, वो बाहर गए हैं। बाहर? जो आदमी इतना आलसी है, जो अपने सिंहासन से उठ के एक कप चाय नहीं पी सकता है, जिसको घर से बाहर निकलने में आफत आ जाता है, वो बाहर कहाँ गए? जी चायबासा गए हैं वो। चायबासा कहाँ गए हैं? पता नहीं भाभी जी। अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, और हाँ किसी को बताना नहीं कि हम फोन किए थे। अब वहाँ सर हिलाओगे तो हमको यहाँ दिखेगा का? मुंह से कुछ फूटो। जी भाभी जी। चाय बासा का आए गए, क्या बात है, पता लगाना पड़ेगा। इतना सब कुछ ना किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम लड़का वाला हैं? अरे परंपरा है साहब। अरे भुवनेश्वर जी, यही परंपरा जो है ना हम खत्म करना चाहते हैं। अरे आप ऐसा काहे कह रहे हैं, आप मेहमान हैं तो ये सब तो करना ही था। अरे और हमारी दीदी जो है ना, कोई भी घर पे आए, कोई भी, बिना खाए नहीं जाने देती हैं। वाह, देख रहे हैं, इसे कहते हैं संस्कार भाई। वाह। अरे आप सिंघाड़ा लीजिए ना, पायल बनाई है, बहुत अच्छा बनाती है। तो फिर ठीक है भाई,
तब तो खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ए रजत बेटा दो ना। ला भाई, दू ना, एक ही बहुत है। बहुत अच्छा। चल भाई, जाके कह दे जो कहना है, खत्म कर। यार ऐसे सबके सामने बोला सही रहेगा क्या, कहीं बुरा मान गई तो? भाई एक बात बताओ, तुम सच में प्यार व्यार करते हो कि नहीं, कि बस ऐसे ही है ऊपर ऊपर वाला आश्क की? भाई ऐसा है ना तो प्लीज वापस चल लो। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, कसम से प्यार करते हैं यार, सच में प्यार करते हैं। फिर जाओ और कह दो अपने दिल की बात यार, उनको बुरा क्यों लगेगा? तुम बस उनसे अपने दिल की बात कहने जा रहे हो, तो ये थोड़ी कहने जा रहे हो कि चलिए हमारे साथ भाग चलिए। भाई चांस अभी है, जो कहना है जाके कह दो। पेट जो है ना बहुत भर गया, अब ये समझ लो रात का खाना जो है कैंसल नहीं होगा। बोलिए, और आप सीधा अंदर कैसे चले आए? हाय। अरे आप तो वही है ना जिन्हें हमने कोई और समझ लिया था उस दिन ढाबे में। हमें लगा कि आप वो कार के, हमें माफ कर दीजिए, उस दिन बहुत कंफ्यूजन हो गया था। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस दिन ढाबे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं, हमें आपको पता नहीं क्या क्या कहते चले गए। That's okay. उस दिन हम आपसे बात कह नहीं पाए इसलिए आज आना पड़ा। एक्चुअली आप हमें गलत मत समझिएगा, एक्चुअली जब से हमने आपको देखा है तब से हम सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके ऑफिस के बाहर दिन दिन भर खड़े रहते हैं ताकि आपकी एक झलक मिल सके। लेकिन क्यों? क्योंकि हम आपसे प्यार करने लगे हैं पायल जी। आई लव यू। क्या? रे तेरे ये सब क्या बकवास कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई आने की? सड़क साफ कुंडे, अगर हमारी बहन की तरफ नजर उठा के भी देखा ना तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, समझे? जिंदगी भर देख नहीं पाओगे। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड समझ, बात सुनिए एक मिनट, बात सुनिए हमारी। आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम अच्छे परिवार से हैं और इनको लेके जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे भावनाएं हैं बहुत जेन्युइन हैं। एक शब्द भी बोला ना, हल्ला मत करो,
वो लोग यही हैं, कभी भी आ सकते हैं। इसको निकालो बाहर यहाँ से। चल निकल बस, चल तू बाहर निकल। सुनिए तो भैया, सुनिए एक मिनट भाई साहब एक मिनट सुनिए, बात तो एक बार बात तो सुन लीजिए एक भाई साहब। पता नहीं कहाँ से आया भंगा सा। अरे बोले तो बता रहे, छोड़ दीजिए प्लीज, तू बता रहे थे। अरे हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए। अच्छा बेटा तू भी छोड़ेंगे नहीं तुमको। बेटा छोड़ दो। अरे हम कोई बखेड़ा नहीं चाहते हैं, पीछे के रास्ते से गुड्डन के घर से लड़के वाले आते ही होंगे। पायल का रिश्ता तय हो रहा है, अरे कुछ तो शर्म करो, जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा तुम, चल दे। पता नहीं ऐसे लफंगा लड़का लोग को माँ बाप का संस्कार दे के पालते हैं। चल देव, हम कोई बखेड़ा नहीं चाहते। पाल का रिश्ता तय हो रहा है, कुछ तो शर्म करो। आपका घर भी देख लिया। अरे जगेश्वर बाबू हम तो धन्य हो गए, आप जैसे सज्जन पुरुष का पांव हमारे घर पे पड़ा। अरे आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं भाई? हम सोचे कि गुड्डन के घर से आप यहीं आएंगे तो हम भी अंदर से बाहर आ गए। अच्छा आप सबसे मिलकर हमको तो बहुत ही अच्छा लगा भाई, सही बता रहे हैं। और गुड्डन जी, जी आप तो बहुत मस्त आदमी है, एकदम दिलदार। अरे बस। अच्छा हाँ भुवनेश्वर जी, आप ही बताइए कि हमारा घर आ कब रहे? बस कुछ दिनों में तय करके बताते हैं। इसमें तय क्या करना है, बगले में तो जमशेदपुर है, कल ही आ जाएंगे। हाँ इससे अच्छी क्या बात हो सकता है भाई। अरे नेक काम में देरी, कल आ रहे हैं फिर आप सब लोग। हाँ भाभी जी सब कुशल मंगल तो है, क्या कि आपके चेहरे में काफी तनाव दिख रहा है। ऐसा नहीं है, हम बस पायल के बारे में सोच रहे थे। अरे काहे के लिए इतना तनाव ले रही है, हम भी एक बेटी के बाप हैं और ईश्वर है ना। कल आप सब लोग आ रहे हैं और हम इंतजार करेंगे। हाँ जी अब ये बोल दिए है तो फिर अब आगे दीजिए हमको। अरे आप कहाँ जाएंगे, हम गाड़ी यही मंगा देते हैं। रुके ना, हम वो ड्राइवर का फोन नंबर ले लिए थे आपके। गुड्डन जी चल भाई। वो देखिए गाड़ी आ गई। अच्छा जी दीदी हम भी जा रहे हैं घर, कल आते हैं, हैं? आप अंदर चलिए ना, हमको आपसे जरूरी बात करना है।